हेलो फ्रेंड्स, द रेडिफाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं देव सर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं पढ़ाने वाला हूं जेई मेंस प्लस एडवांस 2020 के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूं मैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन। एक टॉपिक मैंने लोकेशन ऑफ रूट का वीडियो डाल चुका हूं मैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ इक्वेशन। थ्योरी ऑफ इक्वेशन भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं वही टॉपिक ले रहा हूँ जो बच्चों को टफ लगते हैं थोड़े, है ना। पूरा चैप्टर में नहीं पढ़ाऊंगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक लूंगा क्योंकि 2020 का सेकेंड अटेम्प्ट आने वाला है जेई मेंस का, तो आप उसी के प्रिपरेशन के लिए मैं ये वीडियोज डाल रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट लूंगा मैं इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन टॉपिक का नाम जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है मेरी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसके मैं दो रूट बोल सकता हूं, पहले ए का डिवाइड मार दो, तो एक्स स्क्वायर बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इक्वल टू जीरो। इसके दो रूट होंगे, एक अल्फा एक बीटा। अगर दो रूट इसके हैं तो क्या मैं इसी इक्वेशन को एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के रूप में लिख सकता हूं। यहाँ पे एक और अल्फा बेट आता है के, मान लो ये के होता है लीडिंग कोफिशिएंट, इक्वल टू जीरो लगा है इसलिए ये जीरो में चला गया। तो क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं इसको अल्फा और बीटा के फॉर्म में, लिख सकते हैं। याद रखिएगा मैं एक एग्जांपल के रूप में बता भी देता हूं आपको, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर करेंगे तो फाइव और वन होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस एक्स प्लस फाइव कॉमन लो, तो एक्स एक्स प्लस फाइव और यहाँ पे वन कॉमन, तो एक्स प्लस फाइव फैक्टर आए इसके, एक्स प्लस फाइव और एक्स प्लस वन, यहाँ से एक्स की वैल्यू आई माइनस वन माइनस फाइव, यानी दो रूट थे इसके माइनस वन और माइनस फाइव। अब मैं इन्हीं ये जिस तरह से मैंने अल्फा और बीटा के फॉर्म में यहाँ पे फैक्टर्स लिखे हैं मैं यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, तो जब इससे ये वाली स्टेप आई है तो इससे ये वाली स्टेप भी तो आएगी, तो मैं इसी चीज के जो फैक्टर है अल्फा और बीटा यानी इसके रूट्स उसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं। अब मैं इसे प्रोडक्ट करने वाला हूं, ऑटोमेटिक मुझे ये वाली इक्वेशन मिलेगी, वो ए और बी की फॉर्म में नहीं होगी, वो अल्फा और बीटा की फॉर्म में होगी यानी उसके रूट्स की फॉर्म में, फिर हम कंपेयर कर लेंगे और कुछ नहीं, और मुझे थ्योरी इक्वेशन यही चीज है, चेक कर देंगे। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं बाइनोमियल को बाइनोमियल से, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर यहां से मैं क्या लूंगा, माइनस का एक्स कॉमन ले लूंगा, तो अल्फा प्लस बीटा अंदर बचा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो। इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू। नाउ हम बात करते हैं इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू को कंपेयर कर, कंपेयर कंपेयर करेंगे तो एक्स का कोफिशिएंट, यहां पे एक्स का कोफिशिएंट देखिए क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है माइनस का अल्फा प्लस बीटा, याद रखिएगा उसके साइन को भी लिया जाता है जब मैं कोफिशिएंट की बात करता हूं, तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, एक्स के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई में क्या है, एक्स अल्फा प्लस बीटा माइनस का, और वहां पे इक्वेशन नंबर वन में एक्स का कोफिशिएंट क्या है, प्लस का बी बाय ए, प्लस का बी बाय ए, तो अल्फा प्लस बीटा की अगर मैं वैल्यू निकालू तो माइनस उधर चला जाएगा, तो ये माइनस का डी बाय इक्वेशन, इसको याद रखिएगा, इसको हम सम ऑफ रूट बोलते हैं, सम ऑफ रूट एसओआर शॉर्ट में, और कई बार इसे समीशन अल्फा भी बोला जाता है। समीशन अल्फा याद रखिएगा, जब सम की बात करते हो तो सम के लिए समीशन लगता है, सम के लिए ठीक है, और जब प्रोडक्ट की बात करते हैं तो पाई लगता है प्रोडक्ट, ये आपको थोड़ी सी नॉलेज दिए, कुछ बच्चे जानते भी होंगे। नेक्स्ट मैं बात करूं कॉन्स्टेंट टर्म की, कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, और वहां पे इक्वेशन नंबर वन में कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म क्या होती है जिसमें वेरिएबल ना हो, वेरिएबल मतलब एक्स ना हो, यहाँ पे एक्स है यहाँ पे भी एक्स है यहाँ पे कोई एक्स नहीं है, तो सी बाय, तो इसको क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट, यहाँ क्या हो रहा है, दोनों रूट्स का प्रोडक्ट हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं पी O R product of root, इसको मैं लिख सकता हूँ प्रोडक्ट को किससे शो करता हूँ मैं पाई से,
तो पाई अल्फा, इसको इस तरह से भी मैं लिख सकता हूं। लिखिए आप, वीडियो पॉज करिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉपिक नंबर टू, यानी क्यूबिक इक्वेशन। तो जनरल क्यूबिक इक्वेशन सभी को याद होगी, लिखते हैं। क्यूबिक का मतलब डिग्री कितनी है इसकी, थ्री। तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, ठीक है। एक डिवाइड मार दो इसमें भी, एक्स क्यूब प्लस बी बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बाय ए एक्स प्लस डी बाय ए इक्वल टू जीरो। इसके तीन रूट मानते हैं, क्यों? क्योंकि जितने इसकी डिग्री होती है उतने ही उसके रूट होते हैं। तो क्यूबिक है ये, क्यूबिक के तीन ही रूट होंगे, एक अल्फा है, एक बीटा है और एक गामा है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर वन दे देंगे, क्योंकि सेकंड इक्वेशन तो अपन क्या करेंगे, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा को प्रोडक्ट में लेंगे और फिर प्रोडक्ट करके अल्फा बीटा गामा में एक इक्वेशन बनाएंगे और इसको कंपेयर करेंगे। यही चीज है थ्योरी ऑफ इक्वेशन और कुछ नहीं है। तो हम करने वाले हैं के मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा इक्वल टू जीरो। इस तरह से हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, तीन रूट है तो के को तो हमने क्या करने वाला हूँ, जीरो में भेजने वाला हूँ। जब मैं यहाँ इनको प्रोडक्ट करूंगा तो आप करके देखिएगा, मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ रूट आएगा फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो भी एक्स के कोफिशिएंट होंगे उसमें से माइनस कॉमन माइनस एक्स कॉमन लूंगा तो यही टर्म बनेगी, आप देखिएगा, है ना। प्लस अब दो दो टर्म आएगी मल्टीप्लाई में, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा इंटू, सॉरी यहां पे डिग्री डिक्रीजिंग में जाएगी, यहां एक्स क्यूब है यहां एक्स स्क्वायर आएगा, यहां पे एक्स आएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में यहां पे कॉमन लेंगे आप, है ना। और यहां पे क्या आएगा, माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू जीरो, इसको मैं देने वाला हूं इक्वेशन नंबर टू। नाउ हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू को क्या करने वाले हैं, हम कंपेयर। अब कंपेयर करते हैं, कंपेयर में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हम लेने वाले नहीं है क्योंकि यहां पे भी बने यहां पे भी बने। बात करते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहां पे, माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, वहां पे क्या है इक्वेशन नंबर वन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी बाय ए, तो बी बाय ए लिख दीजिए यहां। अब ये माइनस क्या करेगा, उधर चला जाएगा। अब इसी चीज को मैं सम ऑफ रूट भी बोलता हूं, यानी एस ओ आर, और इसी को मैं किस फॉर्म में भी लिखता हूं, समीशन अल्फा की फॉर्म में, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्स के कोफिशिएंट की, एक्स का कोफिशिएंट यहां पे ये लिखा हुआ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू, अब वहां पे फर्स्ट इक्वेशन में देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में जो कोफिशिएंट एक्स का वो क्या है, सी बाय, तो सी बाय इसे हम क्या बोलेंगे, इसे तो एस ओ आर बोला था, इसे क्या बोला जाएगा, सम भी हो रहा है प्रोडक्ट भी हो रहा है तो दोनों का कॉम्बिनेशन बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट, याद रखिएगा इसको। सेकंड इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, समीशन अल्फा बीटा, आपको पता होगा इसमें तीन रूट्स हैं, अल्फा बीटा की फॉर्म में यानी सम हो रहा है दो दो रूट का, तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा समीशन फॉर्म में ही जेई देता है, जेई इतनी किसी भी क्वेश्चन को समीशन फॉर्म में बनाकर इतना टफ बना देता है कि बच्चा छोड़ देता है उस क्वेश्चन को, और कुछ नहीं बस समीशन की प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए आपको अच्छे तरह से। अगर आप किसी बच्चे को याद नहीं है कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, मैं उसका लेक्चर भी डाल दूंगा, ठीक है। तो अभी तो हम बात करते हैं ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसमें भी थ्योरी ऑफ इक्वेशन की। नेक्स्ट हम बात करें कांस्टेंट टर्म की, तो वो क्या है, माइनस का अल्फा बीटा गामा इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, डी, और सॉरी यहाँ की बात करें ना हम, तो इक्वेशन नंबर वन की ये क्या है, डी बाय ए, तो डी बाय ए माइनस को उधर भेज दीजिए, तो अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस का डी बाय ए, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पी ओ आर यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसी को हम पाई अल्फा के रूप में भी बोल सकते हैं। धन्यवाद, थ्योरी ऑफ इक्वेशन का पार्ट वन यहाँ कंप्लीट होता है, पार्ट टू मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। पार्ट वन को आप लोग अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को द रेडिफाइन अकेडमी, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, और ये मेरे मोबाइल नंबर है। धन्यवाद, अगर आप लोगों को अच्छा लगा।
थैंक यू।